बड़ी खबर आई हमास की सुरंगों से जुड़ी। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास की सबसे बड़ी सुरंग का पता लगा लिया है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उस सुरंग के अंदर चलती हुई कार नजर आई। दावा है कि उस कार में हमास के कमांडर याहिया सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार सवार था। यानी वो सुरंग आकार में इतनी बड़ी है कि उसमें कार तक चलाई जा सकती है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने जिस सुरंग का पता लगाया वो उत्तरी गाजा और इजरायल के बीच मौजूद इरेज क्रॉसिंग के नजदीक है और उस सुरंग की लंबाई करीब 4 किलोमीटर बताई जा रही है। दावा है कि इतनी बड़ी सुरंग अब तक इजरायल की सेना को गाजा में नहीं मिली थी, जबकि नेतन्याहू की सेना पिछले 2 महीनों से वहां बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन चला रही है। और इसी दौरान इजरायली सेना को इतनी बड़ी सुरंग मिली जिसमें कार चल सकती है। इजरायल ने जो वीडियो भी जारी किया उसमें एक कार बड़े ही आराम से सुरंग में चलती दिखाई दी। उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि गाजा से अब तक सुरंग की जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें सुरंगों का आकार काफी छोटा दिखा था। अब तक नजर आई सुरंगों में घुसने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन इजरायल ने जिस सुरंग का पता लगाने का दावा किया वो आकार में उनके कई गुना बड़ी है। इसमें कार आसानी से चलती दिखी। दावा है कि ये सुरंग इजरायल और उत्तरी गाजा के बीच मौजूद इरेज क्रॉसिंग से महज 400 मीटर दूर है और इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। यानी एक बार उस सुरंग में कोई अपनी गाड़ी के साथ दाखिल हुआ तो कहां जाकर निकलेगा इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर हमास के लड़ाके इजरायल में हमले को अंजाम देते थे। और इसके साथ ही इजरायल ने आरोप लगाया कि इसी तरह की बड़ी सुरंगों का इस्तेमाल कर हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को सबसे बड़ा हमला किया था। इजरायल ने सबसे बड़ी सुरंग का जो वीडियो जारी किया उसमें याहिया सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार उस कार में सवार दिखा और दावा है कि उसी ने ये सुरंग बनवाई थी। इजरायली सेना के मुताबिक 4 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के लड़ाके आने जाने और हथियारों की सप्लाई के लिए करते थे और इसे बनवाने में लाखों डॉलर खर्च किए गए थे। दावा है कि इतनी बड़ी रकम इसीलिए खर्च की गई थी क्योंकि सुरंग में गाड़ियों के घुसने तक गड्ढा खोदकर उसमें कंक्रीट की दीवार बनानी थी और इस सुरंग को बनवाने वाला मोहम्मद सिनवार था, जिसके ठिकानों पर पिछले महीने इजरायल की सेना ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। हमास के कमांडर याहिया सिनवार के साथ साथ इजरायल की सेना को उसके भाई मोहम्मद सिनवार की भी तलाश है। माना जाता है कि उत्तरी गाजा में जारी ऑपरेशन से डरकर वो दक्षिणी गाजा में कहीं छिपा हो सकता है, इसीलिए इजरायल की सेना इन दिनों दक्षिणी गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। लेकिन दक्षिणी गाजा में सैन्य ऑपरेशन के साथ साथ उत्तरी गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का सिलसिला भी जारी है। इजरायल पहले ही साफ कर चुका है कि गाजा पट्टी में उसका सैन्य ऑपरेशन लंबा चलेगा, क्योंकि इजरायल का मानना है कि जब तक हमास की सभी सुरंगों का पता नहीं चल जाता और जब तक उन्हें तबाह नहीं कर दिया जाता तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। यानी गाजा पट्टी में इजरायल का अभियान जारी रहेगा, जबकि अमेरिका समेत उसके कई मददगार देश भी इन दिनों इजरायल पर जंग खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपना फैसला नहीं बदला। माना जा रहा है कि उत्तरी गाजा में सबसे बड़ी सुरंग का पता लगाने के बाद उसे दुनिया को दिखाकर इजरायल ने ये साबित करने की कोशिश की कि हमास के इरादे कितने खतरनाक हैं। क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी सुरंग जहां मिली वहां से इरेज क्रॉसिंग बेहद नजदीक है। इस क्रॉसिंग के पास ही इजरायल के सैन्य अड्डे हैं। आरोप है कि इसीलिए हमास के लड़ाकों ने वहां इतनी लंबी चौड़ी सुरंग बनवाई ताकि वो लड़ाके अपनी गाड़ियों के साथ वहां तक आसानी से पहुंच सके। और इसीलिए इस जंग की शुरुआत से ही इजरायल की सेना के निशाने पर हमास की सुरंगें रही हैं। इजरायल का आरोप है कि उन्हीं सुरंगों में हमास के बड़े बड़े कमांडर छिपे हैं और उन्हीं कमांडरों को पकड़ने के लिए इजरायली सेना ने दिन रात एक कर दिया है। वो लगातार उत्तरी और दक्षिणी गाजा में हमले कर रही है। यही नहीं, उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाकों को सुरंगों से बाहर निकालने के लिए इजरायल की सेना पिछले कई दिनों से उनमें पानी भी भर रही है। इसके लिए भूमध्य सागर से पानी के बड़े बड़े पंप से लाखों लीटर पानी रोजाना हमास की सुरंगों में भरा जा रहा है। इसका मकसद लड़ाकों को किसी भी तरह सुरंगों से बाहर निकालना है, क्योंकि पानी भरने से या तो वो लड़ाके सुरंगों के अंदर ही डूबकर मर जाएंगे या फिर वो जैसे ही बाहर निकलेंगे
इजरायली सेना उन्हें पकड़ लेगी। हालांकि इस काम में लंबा वक्त लगने की संभावना है, क्योंकि माना जाता है कि गाजा में हमास की सुरंगों का जाल करीब 500 किलोमीटर लंबा है। इजरायल को ऐसी कई सुरंगें अस्पतालों और स्कूलों के नीचे से भी मिली हैं। इसी वजह से उत्तरी गाजा के सैकड़ों अस्पताल और स्कूल भी इजरायल के भीषण हमलों में तबाह हो चुके हैं। और अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए इजरायल की सेना ने एक और वीडियो जारी किया। दावा है कि ये वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया का है। वहां इजरायल की सेना ने सबसे बड़े शरणार्थी शिविर पर हमला भी किया था। और दावा है कि उसी जबालिया में हमास के लड़ाकों ने बच्चों का इस्तेमाल अपने खतरनाक प्लान के लिए किया था। इजरायल ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसकी सेना इलाके में छापेमारी करती नजर आई। इसी दौरान एक इमारत में बच्चों का एक कमरा नजर आया। उस कमरे में बच्चों से जुड़ी चीजें रखी हुई थी, लेकिन जब इजरायली सेना ने उसकी तलाशी ली तो उसी कमरे में एक सुरंग मिली। दावा है कि इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के लड़ाके करते थे, यानी दुनिया को धोखा देने के लिए हमास के लड़ाकों ने स्कूलों और अस्पतालों की आड़ में सुरंगें बनाई थी ताकि वो आसानी से छिप सके। गाजा में इजरायल की सेना इस तरह की कई सुरंगों का पता लगा चुकी है और ये कार्रवाई इजरायल की मुख्य पैदल सेना इकाइयों में एक नाहल ब्रिगेड के सैनिकों के जिम्मे है। इसी यूनिट के सैनिक इन दिनों हमास की सुरंगों को बर्बाद करने में जुटे हैं। और दावा है कि हमास ने जानबूझकर अपनी कई सुरंगों को इजरायल की सीमा के नजदीक बनाया था ताकि उसके लड़ाकों के लिए बॉर्डर तक छिपकर पहुंचना आसान हो सके। और जिस लंबी सुरंग का दावा इजरायल की सेना कर रही है वो भी उसकी सीमा के नजदीक ही मिली है। 7 अक्टूबर से पहले तक इरेज क्रॉसिंग से गाजा के कई लोग इजरायल में दाखिल होते थे। उनमें बड़ी संख्या मजदूरों की होती थी तो साथ ही इलाज करवाने वाले मरीजों की भी। लेकिन उसी सीमा से महज कुछ दूरी पर हमास की इतनी लंबी सुरंग के मिलने से इजरायल की सेना भी हैरान है, क्योंकि उसे खबर नहीं थी कि उसके सैन्य अड्डे के नजदीक हमास इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। आरोप है कि 7 अक्टूबर के दिन उसी सुरंग से बाहर निकलकर हमास के लड़ाकों ने इरेज क्रॉसिंग के नजदीक भी इजरायल के इलाकों में तबाही मचाई थी। उनके हमले में 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई थी और उस वक्त हमास के लड़ाकों ने वहां से कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया था। उसी हमले के बाद से इजरायल ने हमास के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ रखी है। फिलिस्तीन का दावा है कि पिछले 2 महीनों में गाजा में 18,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। और इसी वजह से इजरायल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका भी इन दिनों उससे नाराज है। यही नहीं, खबर है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन एक बार फिर इजरायल के दौरे पर जाने वाले हैं। और कतर की टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका एक बार फिर इजरायल पर सीज फायर का दबाव बना सकता है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने इजरायल की यात्रा भी की थी। माना जाता है कि उस दौरान उन्होंने नेतन्याहू को बाइडेन का साफ संदेश सुना दिया था और अब अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी उसी मुद्दे पर इजरायल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिका पहले ही 2-2 कह चुका है कि अगर इजरायल ने गाजा में हमले नहीं रोके तो वो अपने मददगारों से भी समर्थन खो सकता है। माना जा रहा है अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए इजरायल पर दबाव बना रहा है, क्योंकि गाजा में कत्लेआम के लिए इजरायल के साथ साथ उसका नाम भी घसीटा जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में अमेरिका की भी किरकिरी हो रही है। इसी वजह से अमेरिका ये दिखाने में जुटा है कि वो गाजा की जंग को खत्म कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।